नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, दिस इज अदिति एंड वेलकम टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। मैसेजेस पढ़ने से पहले वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन बोर्न ऑन द 12th ऑफ अगस्त। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द 12th ऑफ अगस्त 2020। वन मोर। ओवरऑल एनर्जी जो है वो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है, यू नो, इट इज अ एनर्जी ऑफ हार्मनी, पीस, गुडविल, हैप्पीनेस, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। पुरानी चीजें जो अच्छी आपके लाइफ में बीती थी उनके बारे में आप सोचेंगे, पुराने फ्रेंड्स शायद आपको मिलेंगे, ऐसी कोई चीजें जो आपके बचपन में या आपके पास्ट में हुई थी वो चीजें जो हैं आप फिर से रिविजिट करोगे। ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। ऐसा एक फीलिंग आएगा आपको कि यू नो इमोशनली आपको बहुत सेटिस्फाइड और काम लगेगा। ब्यूटिफुल। बिजनेस करियर और फाइनेंस में फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस हैं। अगर आप पॉजिटिव न्यूज नहीं है एज फार एज बिजनेस करियर एंड फाइनेंस को सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू नो एज फार एज मनी एंड करियर फाइनेंस गोज देर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ हार्डशिप। पैसों को लेके, चीजों को लेके थोड़ा हार्डशिप हो सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी है। कोशिश आप बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का कार्ड है ये, तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो यू नो कल का दिन भी आपको थोड़ा सा अनस्टेबल लगेगा, लगेगा कि यू नो जॉब क्यों नहीं लग रही है आपकी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का भी ये कार्ड है, जहां पे आपको लग सकता है कि यू नो कुछ जॉब का अच्छा ऑफर आया था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एडवाइस आपको यही है कि कोशिश करते रहिए, टाइम विल डेफिनेटली चेंज। इन लव एंड रोमांस फॉर टुमारो वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अ कार्ड ऑफ यू नो हैप्पी रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ का कार्ड है ये। पॉजिटिव फैमिली लाइफ सिचुएशन जो है वो दिख रही है। यू विल बी सैटिस्फाइड विद योर लव एंड रिलेशनशिप। कमिटमेंट का भी कार्ड है, हार्मनी का भी कार्ड है। एडवाइस आपको यही है कि जो आपके रिलेशनशिप में आपको मिल रहा है उसके लिए शुक्राना दे। यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल फैमिली, विद अ ब्यूटिफुल हैप्पी रिलेशनशिप, एंड से थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव। ब्यूटिफुल। वन आंसर फ्रॉम द एंजल्स फॉर योर क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ है जिसका आपको आंसर चाहिए है फ्रॉम द एंजल्स, आप क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी एंजल्स आपको क्या आंसर देती है। ऑलराइट, आपके क्वेश्चन का आंसर इज आस्क अदर्स फॉर हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज यू नो आस्क अदर्स फॉर हेल्प। मे बी वो भगवान के भेजे हुए हैं और उनकी मदद से आपका जो काम है वो हो सकता है। ब्यूटिफुल। एक चीज जो आपको सरेंडर करनी है, एक चीज जो आपको सरेंडर करनी है एंड उससे जो है आपका लाइफ बेटर हो सकती है। जस्ट लेट्स सी डिवाइन आपको क्या मैसेज देता है। Surrender unhealthy relationships. Let go of relationships that don't serve you, including unavailable or toxic people. You deserve to be treasured by others and be surrounded by positive people. बहुत positive card है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे relationship में हैं जहाँ पे लोग आपको समय नहीं देते हैं, आपको जो है आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, टॉक्सिक लोग हैं, यू नो आपको मैनिपुलेट करते हैं या आपसे ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं, तो डिवाइन बोलता है कि प्लीज ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को आप छोड़े, क्योंकि आप जो है यू आर अ ट्रेजर, आप एक हीरे की तरह हैं और आपको जो है ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो आपसे सच में प्यार करते हैं। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, प्लीज आप इसको ध्यान में रखें। ऑलराइट, वेरी क्विकली नाउ फॉर Next 24 hours in love for all my sun signs. How is the next 24 hours going to be in love for my sun signs? All right.
वी आर गोइंग टू बिगिन विद द अर्थ साइंस टुडे. टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन से हम स्टार्ट करेंगे. Archangel Michael, my guardian angel in the universe, Holy Spirit and guarantee to give us exact messages, which are in the highest good for the general collective. Next 24 hours in love. All right. Perfect. For my Taurus friends, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. कल का दिन प्यार में शायद अच्छा नहीं होगा. लेफ्ट आउट फील करेंगे आप. अगर आपके कोई प्लान्स थे आपके पार्टनर से मिलने के लिए या डेट पे जाने के लिए, शायद वो कैंसिल हो सकते हैं. आपके पार्टनर ने शायद आपको मना कर दिया है, या सिचुएशन ऐसी कुछ है कि आपको ऐसे लगेगा कि जो आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए. अ फीलिंग ऑफ लॉस, अ फीलिंग ऑफ ग्रीफ. ओवरऑल आपको जो है लगेगा कि या तो आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ने आपको मझदार में किसी बारे में छोड़ दिया है. फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स, डेथ की एनर्जी है. ट्रांसफॉर्मेशन इन लव एंड रिलेशनशिप. कुछ ऐसी चीजें आपके रिलेशनशिप में बदल रही हैं जिसका आउटकम जो है हमेशा राइट नाउ, अगर आपको तकलीफ हो रही है जिस ढंग से आपका रिलेशनशिप चल रहा है और जो चीजें आपके रिलेशनशिप में बदल रही हैं, लेकिन एडवाइस आपको यही है कि थोड़ा सा धीरज रखें, बिकॉज जो चेंजेस हो रही हैं आपके लिए उसका आउटकम आपके लिए पॉजिटिव ही होगा. For my Capricorn friends, नाइन of Pentacles की energy है. You are very happy being alone. अगर आप relationship में हैं तो भी आप चाहते हैं कि आपको you want to be alone, you don't want to be troubled. You are focusing on your career, you are focusing on your money. अगर आप relationship में नहीं है तो आप अकेले बहुत खुश हैं. यू आर enjoying योर इंडिपेंडेंस एंड यू आर enjoying द लग्जरी दैट यू आर सराउंडेड विद. इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बिकॉज यहाँ पे जैसा आप चाहते हैं रिलेशनशिप में आप कर रहे हैं. फॉर my Aquarius friends, lovers की एनर्जी है. यू कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन. जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे इक्वली प्यार करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में आपको चॉइसेस हैं. दो लोग हैं आपके सामने जो आपको बहुत प्यार करते हैं या आप उनको प्यार करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं दुविधा हो रही है कि आप किसको चूज करें. फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स इन लव, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. पैशनेट एनर्जी है. यू मे गो ऑन अ डेट विद योर पार्टनर. प्रपोजल आ सकता है आपको. लॉट ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी एनर्जी है. ये 12th ऑफ ऑगस्ट का दिन जो है, यू विल डेफिनेटली फॉर हु एवर इट रेजोनेट्स, आपके पार्टनर के साथ आपको एक काफी अच्छा एंजॉयबल टाइम आप स्पेंड करेंगे. फॉर माई लीब्रा फ्रेंड्स, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने. यू आर गेटिंग कन्फ्यूज. बहुत सारे प्रपोजल्स हैं या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं. आप शायद मोर देन वन पर्सन में इंटरेस्टेड हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चूज करना है. थोड़ा सा कन्फ्यूजन का टाइम है वेर यू डोंट नो किसको लव और रिलेशनशिप में चूज करें. फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो उसको बेहतर करने के लिए आप उस पर मेहनत करेंगे. कोशिश करेंगे आपका रिलेशनशिप जो है वो बना रहे, और उसको टू कीप योर रिलेशनशिप गोइंग, उसको आपको जो चेंजेस करने हैं या उस पर जो फोकस करना है शायद आप वो करेंगे. अगर आप इन अ रिलेशनशिप नहीं है तो मे बी यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस करियर एंड फाइनेंस. फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, यू हैव द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे. नंबर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. कोऑपरेशन का कार्ड है. टीम वर्क का कार्ड है. मे बी आप और आपके पार्टनर जो हैं इकट्ठा काम भी करते हैं, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में. कोलैबोरेशन है, सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ टीम वर्क. ये मेरे लिए ऑल्सो इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि मे बी आप आपके पार्टनर के साथ मे बी डेट पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे. एक ऐसी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जहां पे आप लोग इकट्ठा कुछ करेंगे. फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है. या ये आई थिंक आपको कल भी आई थी. प्यार में आप लोगों को स्टैग्नेटेड फील हो रहा है, बोर्ड फील हो रहा है आपको लव और रिलेशनशिप में. यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन. यू आर फीलिंग स्टक. या तो आप आपके पास्ट लव को बहुत मिस कर रहे हैं और नए ऑप्शन जो आपकी तरफ आ रहे हैं उनको आप अपना नहीं रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होके किसी और में इंटरेस्टेड हैं.
For my Aries friends in love, you have the moon card. You are feeling very emotionally drawn towards your partner. ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके कारण आपको बहुत emotional feel हो रहा है. Maybe आपके और आपके partner के relationship में ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ clear या transparent नहीं है. कुछ चीजें आपके relationship में छुपी हुई हैं. Some secrets in your relationship. Emotionally आपको थोड़ा सा depressed और low लग रहा है as far as your relationship goes. एडवाइस आपको यही है कि आपके पार्टनर के साथ आप ओपन कम्युनिकेशन करें. फॉर माय लियो फ्रेंड्स, आपका ही कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे. या तो आप आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपके लाइफ में आए. एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट इट. आप जो है आपके कंट्रोल में हैं और देख रहे हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल आप जो है आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, फर्टिलिटी का कार्ड है. आपके पार्टनर जो है आपको काफी अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं. कल का जो दिन है इट विल बी वेरी पॉजिटिव इन लव एंड रिलेशनशिप. इट इज अ कार्ड इंडिकेटिंग प्रेगनेंसी एज वेल, सो देर आर चांसेज ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट एज वेल. दिस इज ऑल आई हैव फॉर माई 12 जोडियक साइंस इन लव. वन मैसेज for the general collective for the 12th of August in love from the romance angels. All right, romantic feelings ka card hai. Your feelings are real and worth exploring. So I think most of my viewers will feel very romantic, will spend some romantic time with their loved ones. This is all I have for the 12th of August. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.